अब ऐसे कैसे बता दूं कि सच तो बहुत कीमती है, उसकी कीमत क्या दोगे? अरे यार, मेरे सच की मैं ही कीमत क्यों दूंगा? कीमत तो तब चुकाई जाती है आयुष बाबू, जब सच सबसे छुपाया गया हो, और वो सच जब एक राज बन जाता है। मैं आपके राज की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई राज नहीं है। अब साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। अच्छा झूठ बोल लेते हैं आप आयुष बाबू। मैं भुवाना के सच की बात कर रहा हूँ। हेलो, कहीं ये मोही के साथ शादी वाली बात तो नहीं कर रहा है? आज तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। I feel like congratulating you again. Congratulations. तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो लगा तुम अभी कहोगे कि मुझे लिप किस चाहिए। I'm getting late. आयुष, मोही की कोई खबर आई क्या? I mean, डैड का एक कैंप है बुहाना के आसपास ही, तो हम सोच रहे थे कि हम वहां जाकर चेक। कोई जरूरत नहीं किसी को बुहाना जाने की। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने मोहित के लिए इतना कुछ किया और उसने तुम्हें अपनी खबर देने की जरूरत भी महसूस नहीं की। आ जाएगी अगर आना होगा तो, और अगर नहीं आई तो उसका लक। हम क्या कर सकते हैं? पर शायद मोहित किसी मुसीबत में हो, चेक तो करना चाहिए ना। बार तो मुझे जाना ही होगा भुवाना। एक और मुसीबत। अब मैं अनुषा को भुवाना जाने से कैसे रोकूं? शादी के बाद ही जब एक औरत ससुराल आती है तो उसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, और वो बड़े खुशी खुशी कर लेती है ये एडजस्टमेंट। चाची ने भी ऐसा ही किया। वो इस घर को छोड़कर चली गई, कोई तो वजह होगी चाचू। अब आप खुद ही सोचिए, क्या चाची के जाने के बाद आप खुश है? जिन्हें मुझे रोकना चाहिए वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मैं क्यों रुकूं? मेरी क्या गलती है? शुभांगी से बात हुई तुम्हारी? कब लेने जा रहे हो? नहीं बहनी, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। इसमें इतनी सोचने वाले क्या बात है शरद? पत्नी है वो तुम्हारी। देखो बेटा, पति पत्नी में नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, रुठना मनाना होता रहता है, वो सब एक जगह। तुम दोनों मैच्योर्ड हो, 13 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को। शरद, मुझे सब बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है शरद, निभाना बहुत मुश्किल होता है। और हम हमेशा आसान रिश्ते चुनते हैं जिसके लिए हमें पछताना पड़ता है।
ऐसा काम ही क्यों करे शरद जिसके लिए हमें पछताना पड़े। सुशीला ये बात तुम शुभांगी को भी तो समझा सकती हो ना। वो भी सारी बातें समझ के शरद को फोन कर सकती है। उसके घर में भी बड़े बुजुर्ग होंगे, उसके माँ बाप होंगे, उसे समझा बुझा कर यहाँ भेज सकते हैं। पर नहीं, वो क्यों भेजेंगे? ठहरे अमीर लोग, घमंडी लोग। उन्हें तो लगता होगा कि सारी गलती शरद की है। उनकी बेटी तो बहुत भोली भाली है। मौसी आप क्यों दोनों के रिश्ते को तोड़ने पे तुली हो? ये पति पत्नी के आपस का मामला है, उन्हें डिसाइड करने दो ना। आप क्यों बिना मांगे अपनी राय दे देती हो? मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप अपने बेटे की खुशी नहीं देख पाए ना, इसलिए दूसरों की खुशी नहीं देख सकती है। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने, बहुत बड़ी। शरद मेरा बेटा जैसा है, मैं क्यों इसका घर बिगाड़ूंगी? मैं क्यों इसका घर तोड़ना चाहूंगी? बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना आपका? नहीं, नहीं। आप इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए, नहीं तो मौसी का बीपी बढ़ जाएगा। आप प्लीज अपने बीपी की दवाई ले लीजिए और आराम कीजिए, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाता हूँ। मैं क्यों तेरा घर बर्बाद करूंगी बेटा? मैं क्यों तेरा घर तोड़ूंगी? शरद क्यों इतनी जिद कर रहा है? ज्यादा देर करना ठीक बात नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं इसे? क्या हुआ, क्यों बुलाया? बैठ तू, बताता हूँ। क्यों बैठू मैं? नहीं बैठना मुझे, नहीं बैठना ही नहीं है मुझे, मैं खड़े रहकर सुनना चाहता हूँ, बोल। अरे बैठ तो सही, बताता हूँ, बैठ जा। कितनी जिद करता है यार। उस ब्लैकमेलर का फिर से फोन आया था। किसके? हाँ, और मैंने रिकॉर्ड किया, सुनाता हूँ तुझे, रुक। आपके राज की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई राज नहीं, अब साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। भुवाना के, भुवाना के सच की बात कर रहा हूँ। यार आयुष, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि इसे तेरे और मोही की शादी के बारे में पता है, लेकिन वाना के लोगों के अलावा इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था, और शहर में तो ऐसा कोई है भी नहीं। तुझे क्या लगता है निलेश, कहीं ये सब मोही तो नहीं करवा रही है? वहां गांव में जाकर किसी और के थ्रू ये सब करवा रही है? नहीं नहीं यार, मोही पर ये सब क्यों करेगी? अगर उसे करना होता तो वो यहाँ रहकर भी मुझे ब्लैकमेल कर सकती थी, और उसके पास तो और भी कई तरीके थे मुझे परेशान करने के। नहीं, मोही ऐसा नहीं कर सकती, पर ये हो कौन सकता है? क्या यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब जब सब ठीक चल रहा था तो ये मुसीबत आ गई। समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लैकमेलर चाहता क्या, कैसी कीमत चाहता है,
समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, काम पे ध्यान दूं या इसे सोचूं। आयुष, when Nilesh is there, nothing to fear. तू है ना, इस कॉल को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, लेकिन अपने काम पर बिल्कुल ध्यान दे। हम एक काम करते हैं कि इस कॉलर को है ना ट्रेस कर लेते हैं। अब तो तेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कर। After all, you're a star reporter now. But be careful. समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? विनय, क्या बात है, मुस्कुरा रहा है? Hi. आज मैं और अनुषा बुआना जा रहे हैं। मोहित की कोई खबर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चिंतित हूँ। बाप को बेटी की चिंता होनी चाहिए। अच्छा है कि तुम जा रहे हो। क्या तुमने अनुषा को बताया कि मोहित की छोटी बहन है? नहीं आई, अभी तक तो नहीं बताया। सोच रहा हूँ रास्ते में उसे बता दूं। तू बात कर पाएगा? क्या वो इस बात को समझ पाएगी? थोड़े दिन और रुक जाता तो। नहीं आई, रुकने का कोई फायदा ही नहीं। मुझे लगता अभी मुझे बता देना चाहिए, और कोई चारा भी तो नहीं है। रास्ते में अनुषा के साथ अकेले सफर करते समय मौका तो मिल ही जाएगा, खुलकर समझा भी पाऊंगा उसे। मुझे चिंता हो रही है, उसके बाद क्या होगा? अगर वो समझ जाती है तो हम मोहित को अपने साथ ले आएंगे वापस। ये तो अच्छी बात है, फिर दोनों समझ बूझ कर बाकी सबको सच्चाई बताना। लेकिन मुझे तो इस बात की फिक्र है कि रेखा से कैसे कहोगे? क्या वो समझ पाएगी इस बात को, क्या एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। वो कैसे रिएक्ट करेगी, यही सोच के मुझे डर लगता है। मेरी सारी बाजी उल्टी पड़ गई। ये गाय जैसी दिखने वाली मोही ने मेरा पत्ता जड़ से ही साफ कर दिया। और ये सतीश, जिसे मैं अपने फायदे के लिए लाई थी, अरे उसने तो हद ही कर दी। आप चाहे तो मैं आपको 20% दे सकता हूं। आखिर आपकी मेहनत से ही तो मोहिनी ने लेटर लिखा था। मुंशी जी आ गया तू? अरे वाह, कितने फोन किए तेरे को, एक का भी जवाब नहीं दिया। ए छोड़, अपने गुरु को भी मात दे दी तूने। मौसी की परीक्षा में पास हो गया। बस मौसी जी, आप ही की संगत का असर है। आप इतना अच्छा जो सिखाती हैं। और ये क्या सुन रहा हूं मैं कि आपने अपनी तबीयत इतनी खराब कर ली? तबीयत
वाकई में खराब है या फिर कोई ड्रामा? कितना शाना है रे तू, मौसी की हर चाल को समझ जाता है। लेकिन बेटा इतना शाना होना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी सेहत की सोचो, अब तक तो आप भी जान चुकी हैं कि मुझसे हाथ मिलाने के अलावा आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है। और ये चने के झाड़ पर मुझे मत चढ़ाइए, आपके जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। हाँ तुझे फंसा के अब कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन बेटा एक बात याद रख, बेईमानी के धंधे में ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को अगर तू फंस गया ना तो ये मौसी ही तुझे बचाएगी। मैं क्यों फंसूंगा? मैं फंसने वाली बात कहाँ है, मेरा प्लान फूल प्रूफ है, आप अपनी सोचिए। बेटा वो गुनाहगार को हमेशा लगता है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, पर गलत है। मैंने भी तो सबूत छोड़ा ना, अरे बहुत लापरवाही बरती मैंने, तुझ जैसे पे भरोसा कर लिया, बहुत विश्वास कर लिया। गलत किया रे, गलत किया। ये चिट्ठी छुपाना कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसी जगह छुपाती ना कि तेरी सात पुश्तें भी ढूंढ नहीं पाती। अब जो हुआ तो हुआ, मिट्टी डाल उस पे, सब भूल जा। वो चिट्ठी दे दे, वो मोही की चिट्ठी तेरे पास है ना? हाँ? दे दे। अब तक तो है, पर जल्दी अपने सही जगह पे पहुंच जाएगा। क्या है, आयुष अपने कोई खास फैन के फोन कॉल से बहुत परेशान है। कल तक तो पैसे मिल भी जाएंगे। क्या है, आयुष अपने कोई खास फैन के फोन कॉल से बहुत परेशान है। कल तक तो पैसे मिल भी जाएंगे। अरे दीवा, तूने आयुष से ही पैसे मांग लिए? हाँ, मोही के अलावा और कौन है जो सच को छुपाना चाहता है? तो इस चिट्ठी के पैसे आयुष ही देगा ना? क्या मौसी जी आप भी? बड़ा खतरा मोल लिया है तूने सतीश। मोही तो एक लड़की थी, फिर भी भारी पड़ रही थी, अब आयुष से पंगा लेकर कहाँ भागेगा? हे विठला, हे विठला। हाय मॉम। कहाँ हो बेटा? हॉस्पिटल में, डैड का वेट कर रही हूँ, जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। साथ निकलेंगे? कहाँ जा रहे हो आप दोनों? भुवाना जा रहे हैं मोही को लेने। ओह, तो तुम दोनों बाप बेटी बुहाना जा रहे हो मोही को लेने। I just don't understand. तुम्हारे पापा को तो बस एक मौका चाहिए बुहाना जाने के लिए, but how much more? मॉम, आप ऐसे क्यों कह रहे डैड के बारे में?
अपने पापा से ही पूछ लो, वो तुम्हें अच्छी तरह बता देंगे। सालों पहले तुम्हारे पापा एक कैंप के लिए बुहाना गए थे, और वहां जाकर तुम्हें और मुझे हम दोनों को भूल गए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।